नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम हला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमिता। हला बोल जिसमें हम बात करते हैं रोजमर्रा की कुछ ऐसी खबरों की जो होती तो आम लोगों से जुड़ी लेकिन शासन और प्रशासन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है या फिर उन तमाम आवाजों को कहीं दबा दिया जाता है। ऐसी आम खबरों के लिए हमारा खास कार्यक्रम हला बोल। तो हला बोल में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। जी हाँ, अधिकारियों की लापरवाही का उदाहरण एक बार फिर सामने आया है। आगरा की छावनी परिषद सरदार पटेल विधान अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। ये एक क्षेत्र का एकमात्र पार्क है। बताया जाता है कि यहाँ हर रोज आने वालों की तादाद हजारों में है। इनसे पार्किंग के नाम पर 20 रुपये प्रति व्यक्ति भी लिया जाता है। बावजूद इसके यहाँ आने वालों के लिए ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है और ना ही शौचालय का इंतजाम है। और तो और बैठने के लिए लगाई गई बेंचें भी टूटी हुई हैं। पार्क का आकर्षण बढ़ाने वाली हरियाली भी मैदान से गायब हो चुकी है। जिम्मेदारों से शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। का जो पानी के जो प्लांट भी लगे हुए वो बंद पड़े हुए हैं। पार्किंग के नाम पर 20-20 रुपए वसूली की जाती है। पेड़ सूख रहे हैं, कई एक पेड़ काट गए हैं। पानी लगाने वाला कोई है नहीं, घास नाम की चीज नहीं है कोई। और मतलब इतना दुर्गंध, मैं जो समझ लो जब मैं पढ़ता था इंटरमीडिएट में तो जब इस पार्क से रोजाना निकलता था और इसमें बैठ करके स्टडी करता था, अब तो मैं ऊब जाता हूँ। आज मैं 30 साल बाद इस पार्क की मतलब देखता तो रोजाना हूँ लेकिन 30 साल बाद इतनी बुरी दुर्दशा 30 साल से मैंने कभी नहीं देखी जो इस समय वर्तमान में है। कुछ भी नहीं, सारी चीज़ें टूटी पड़ी हैं। वॉशरूम नहीं है, लेडीज वॉशरूम स्पेशली। और चारों तरफ देखिए आप, कुछ सफाई नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी फरहान खान। फरहान, सरदार पटेल पार्क जिस क्षेत्र का एकमात्र पार्क है लेकिन आज वो अपनी बदहाली के आंसू रोने को मजबूर है क्योंकि जिम्मेदारों से लाखों बार शिकायतें की गई लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। छावनी परिषद के लापरवाह अधिकारियों के कारण आगरा छावनी परिषद का एकमात्र पार्क सरदार पटेल विधान अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। आगरा छावनी का यह पार्क जिसमें लाखों की संख्या में लोग वो पर्यटक व क्षेत्रीय लोग यहाँ इसको दीदार के लिए आया करते थे, उनसे पार्किंग के नाम पर 20 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से वसूली की जाती थी। इसके बावजूद भी पार्किंग में लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था के लिए आरोपण जो प्लांट लगाया गया था वो इस समय खराब पड़ा हुआ है। महिलाओं के लिए जो शौचालय की व्यवस्था की गई थी वो भी खराब पड़ी हुई है, टूटी फूटी पड़ी हुई है। लाइटें टूटी फूटी पड़ी है। घास की जो व्यवस्था की जाती है वह घास भी इस समय जो है सूख गई है, उसमें खुर्द बुर्द पड़ी हुई है और लोगों को बहुत ज्यादा इसमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यवस्थाओं के नाम पर कंटेनमेंट बोर्ड का यह पार्क से बदहाली और व्यवस्थाओं का जीता जागता उदाहरण है। इसके बावजूद भी कंटेनमेंट बोर्ड इस पार्क में घूमने के नाम पर लोगों से पार्कों के नाम पर वसूली कर रहा है। यही आपको बताते चलेगी कि बीते 9 फरवरी को छावनी बोर्ड की एक बैठक का आयोजन किया गया था जिसके अंदर कई अहम बिंदुओं पर वार्तालाप भी किए गए थे जिसमें सरदार बाजार सदर बाजार का रोड चौड़ाकरण करने के लिए पार्किंग प्लेटफॉर्म छोटा किया जाएगा, अनाधिकृत स्टॉल से डैमेज वसूला जाएगा, माल रोड स्थित वाटर गैराज मार्केट की खाली पर, इन सभी अनेक बिंदुओं पर बात की गई थी। लेकिन व्यवस्थाओं की बात तो की जाती है, समाज के जो कंटेनमेंट बोर्ड के जो अधिकारी हैं, सदर बाजार के जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो उपाध्यक्ष है पंकज महेंद्रू, उनके द्वारा भी बहुत वादे किए जाते हैं लेकिन वादे फाइलों में ही सीमित रह जाते हैं। धरातल पर उनकी बात की जाए तो धरातल पर कोई भी कार्य देखने को नहीं मिलता है। यही जीता जाता उदाहरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जो पार्क है वो आप जैसे तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो फुहारा जो बना हुआ है वह टूटा पड़ा हुआ है। कितने की लागत से इस पार्क का निर्माण किया गया था, कुछ जानकारी है इस बारे में क्या जी? कितने की लागत से इस पार्क का निर्माण किया गया था, इस पार्क की लागत कितनी आई थी, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? आपको बताते चले कि इस पार्क की जो आकलन है वो करीब 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 35 से 40 लाख रुपए का जो उसको जीर्णोद्धार के लिए जो लगाया गया था, जीर्णोद्धार के लिए जो लगाया गया था वो किया गया था। उसके बाद में इसके लिए कई बार इसका पैसा पास हुआ है और इसका नव निर्माण के लिए भी कायाकल्प की बात की जाती है। ये जो तस्वीरें हैं, ये जो तस्वीरें हैं फरहान, ये जीर्णोद्धार के बाद जो पैसा दिया गया था उसके बाद की ये तस्वीरें हैं इस पार्क की।
जी जी बिल्कुल, आपको बताते चलेगी जिस तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन के बाद में ये पार्क को ओपन किया गया है, उसके बाद में ये तस्वीरें सामने आपके सामने तस्वीर टीवी स्क्रीन पर देखी जा रही है। पार्क के अंदर पार्क की पार्किंग की जो व्यवस्था है उसके नाम पर तुम्हारे पर्यटकों से अवैध वसूली की जा रही है, व्यवस्थाओं के नाम पर चरम सीमा पर यह व्यवस्थाएं बिल्कुल धरातल पर देखने को नहीं मिल रही है। पानी के प्लांट भी खराब है, तो एक तरफ प्रदेश की योगी सरकार शौचालयों की बात कर रही है, घर घर शौचालय बना रही है, और नाम मात्र के लिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर शौचालय बना हुआ है वो बिल्कुल भी ध्वस्त है, और पानी की व्यवस्था भी नहीं है। महिलाएं बहुत बेहाल है, महिलाओं ने भी जिस तरीके से बैठ में कहा कि यहाँ शौचालय की व्यवस्था की गई है लेकिन पानी नहीं है, शौचालय भी गंदा रहता है, बदबू आती है, चलने में दिक्कत होती है, पानी प्लांट के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। लेकिन कंटम बोर्ड के जो अधिकारी हैं, जो छावनी बोर्ड की जो बैठक होती है, लगातार मासिक बैठक का भी आयोजन किया जाता है कि यहाँ की सुंदरता को, साज सज्जा को देखा जाएगा, जो पार्क है और भी उनकी व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति को देखा जाएगा। लेकिन जो सब वादे हैं, सिर्फ बैठकों में तो वादे किए जाते हैं लेकिन वादे से बैठक के बाद में सब खत्म हो जाते हैं, धरातल में कोई भी वादे देखने को नहीं मिलते हैं। परन, मुझे एक स्लोगन यहाँ का याद आता है, ग्रीन आगरा क्लीन आगरा, ये स्लोगन जो है वहाँ पर हर दीवार पर लिखा होता है, और अगर पार्क की खूबसूरती की बात की जाए, जीर्णोद्धार की बात की जाए, तो कोरोना के बाद से इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया कि लोग सुबह सुबह सैर पर जाएं, योग करें, एक्सरसाइज करें, और उसी के लिए पार्क का एक अपना महत्व होता है। लेकिन जब भी पार्क का निर्माण किया जाता है उसके रख रखाव की जिम्मेदारी भी दी जाती है, एक समिति भी बनाई जाती है, आखिर वो समिति गई कहाँ है? जी जी, आपको बताते चले कि आगरा नगर निगम के महापौर नवीन जैन आगरा के जीर्णोद्धार के लिए लगातार हर वर्षक प्रयास कर रहे हैं, लगातार कंट्रोल जो शहर की जो आबादी है उसमें नवीन जैन द्वारा कई फवारे लाइट लिए जाते हैं, कई फाउंटेन लाइट के लिए इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन यह बोर्ड जो आता है वो छावनी परिषद के अंदर आता है। छावनी परिषद के जो उपाध्यक्ष है वो पंकज महेंद्र, जो अपने विगत कई वर्षों से उस पर उनका कब्जा है, दबदबा है, उसके बावजूद भी उनका फरहान आपको रोक रही हूँ हमारे साथ फरहान आपको रोक रही हूँ पीएम सिंह जो जिलाधिकारी हैं आगरा से, वो हमारे साथ जुड़ गए, जरा उनसे बात करते हैं। पीएम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज वर्ल्ड में। पीएम सिंह जी, आगरा के छावनी परिषद के सरदार पटेल पार्क की आज हम बात कर रहे हैं, इस पार्क की हालत से बदतर हो चुकी है, कोई जानकारी है इस बारे में आपको? सर मैं आपको संबंधित विभाग के अधिकारी का नंबर दे रहा हूँ, वो जानकारी देंगे। सर आपको इस बारे में कोई जानकारी है या नहीं? अरे सर मैं तो टेलीफोन अटेंडेंट बोल रहा हूँ, प्लीज आप जैसे ये नहीं समझ रही हैं। ये जानकारी तो अधिकारी देंगे। आप अपने अधिकारी से इस लाइन को कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं साहब अभी सर है नहीं। कहाँ है आपके साहब? साफ सर सिटी में निकले हुए हैं राउंड पर। यानी मैं नंबर दे रहा हूँ, आप बहन जी नंबर लीजिए। चलिए, ये पीएम सिंह के फोन अटेंडर थे। फरहान अपनी बात पूरी करें। जी जी, आपको बता दी कंट्रोल बोर्ड जो छावनी परिषद का जो बोर्ड है उसके जो उपाध्यक्ष है वो है पंकज महेंद्रू, लगातार वो पिछले कई वर्षों से अपनी इस सीट में काबिज बने हुए हैं, उनके द्वारा लगातार इस जीरो छावनी परिषद की जो कंटेनमेंट बोर्ड के अंदर आने वाले क्षेत्र में मोहल्ले हैं उनकी जीर्णोद्धार की बात की जाती है, लगातार मासिक बैठकों में भी उनके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं कि इस क्षेत्र का जीर्णोद्धार किया जाएगा, इसको करने की बात की जाती है। प्रदेश सरकार नारे देती है कि आगरा उत्तर प्रदेश के सभी जिले साफ स्वच्छ होंगे, गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी और पार्कों का जीर्णोद्धार होगा। जिस तरीके से लगातार विगत की सरकारों पर मूर्ति घोटालों का ऊपर आरोप लगा रहा है, लगता चला आ रहा है, उसी बात को देखते हुए जो है कंट्रोल बोर्ड के अंदर जो पार्क है इसको, इसका जो नाम था वो वही वर्षों से इसका नाम बहुत ज्यादा है आगरा शहर में, सबसे प्रथम पार्क के नाम पर इसको देखा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से, उसके बावजूद इसकी स्थिति जो दयनीय है वो बहुत ज्यादा देखने को आपको साफ तौर से देखने को मिल रही है। फरहान, लेकिन जब भी इस तरह के पार्कों का निर्माण किया जाता है उसके रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाती है, चाहे वो नगर निगम करवाता है या फिर वहाँ के रहवासी, और ये क्षेत्र का एकमात्र पार्क है जहाँ पर लोगों से पार्किंग के नाम पर भी पैसा वसूला जाता है, बावजूद इसके इस पार्क की व्यवस्थाओं को सही नहीं किया जाता है। गर्मी का समय शुरू हो रहा है और उत्तर प्रदेश की गर्मी से कोई भी अनजान नहीं है, और अगर आगरा की गर्मी की बात की जाए तो वहाँ भी गर्मी अपना पूरा प्रकोप दिखाती है, ऐसे में पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं है वहाँ।
जी जी बिल्कुल बता रहे हैं कि पिछले विगत जो दिन में अभी जो वार्तालाप जो मासिक बैठक जो छावनी बोर्ड की गई थी उसमें लगातार निर्णय यही लिया गया था कि जो ज्योति कपूर जो छावनी बोर्ड की परिषद की जो CEO है उनके द्वारा भी यही सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया था जहाँ पानी की समस्या है जो शौचालय की समस्या है उसको जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए। इसी के बीच में ये जो स्टोरी आपकी अपने चैनल पर प्रसारित की जा रही है उसको मुद्दे को आप अपने हमारे न्यूज वर्ल्ड ने जो उठाया है उस बात को संज्ञान में लेकर जब CEO से बात की गई तो CEO द्वारा आश्वासन दिया कि जल्द ही इस जो समाचार है उसको देखकर संज्ञान में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जोड़े उद्धार की बात की गई है, अब देखना यह होगा कि इस खबर को चलने के बाद में अधिकारी कब तक इस पर संज्ञान लेंगे और कब तक इस पार्क का जोड़ा उद्धार होगा और जो समस्या है जो क्षेत्रीय लोग हैं और जो पर्यटक यहाँ आते हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है वो कब तक इससे निजात मिलेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। या फिर यहाँ ये कहना जाना गलत नहीं होगा कि जो भी आज तक जो वादे और नियम जो कानून कायदे बनाए जाते हैं धरातल पर करने के लिए नहीं फिर फाइलों में दिखाने के लिए जाते हैं, यहाँ ये कहावत और बात यहाँ सटीक बैठती है कि लगातार जो बात योगी सरकार जो करती है कि धरातल पर कार्य होना चाहिए लेकिन जो सरकार के मनोनीत जो अधिकारी अपने विभागों में बैठे हुए हैं वो धरातल पर ना जाकर फाइलों पर ही कार्य करते हैं और अगर जमीनी स्तर पर जाकर अगर कार्य देखें तो सामने हकीकत उनकी आंखों के सामने नजर आएगी कि कार्य हो रहे हैं या नहीं। फरहान मुझे लगता है जिम्मेदार अधिकारी इस वक्त इतना ज्यादा व्यस्त हो गए कि कोई भी व्यक्ति फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। पीएन सिंह जी जो हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की लेकिन वहां उनके अटेंडर ने फोन उठाकर हमें ये जानकारी दी कि साहब इस वक्त राउंड पर निकले हुए हैं। संजीव जी से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सवाल यही उठता है कि हमेशा राउंड की बात की जाती है, शहर का की जानकारी देने की बात की जाती है लेकिन फिर भी जो स्थितियां हैं वो कुछ इस तरह से ही होती हैं। हमारे साथ यहाँ जुड़ गई हैं शबाना खंडेलवाल कांग्रेस नेता, जरा उनसे बात करते हैं। फरहान शबाना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी शबाना जी आगरा की एक स्लोगन बहुत अच्छे से मुझे याद है, ग्रीन आगरा क्लीन आगरा, हर दीवार पे ये लिखा मिलेगा क्योंकि आगरा को हरियाली से सजाना है, पर्यटन की दृष्टि से भी से खास तौर से देखा जाता है, अजूबा यहाँ पर है, ताजमहल यहाँ की खूबसूरती है लेकिन पार्कों का भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। छावनी परिषद का सरदार पटेल पार्क जो है वो आज अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है, लोगों से पार्किंग के नाम पे पैसा लिया जाता है लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर शून्य नजर आता है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए आपने स्लोगन पूरा नहीं पढ़ा, ग्रीन आगरा क्लीन आगरा और उसके आगे बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है नवीन आगरा, तो ये ऐड कर दिया गया है। हालांकि मुझे बहुत वक्त हो गया है शबाना जी गए हुए वहाँ पर लेकिन जितना मैंने देखा है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ ये नई लाइन वहाँ जरूर जोड़ी गई होगी। ये पूरे शहर में लिखा हुआ है, आगरा शहर के हर चौराहे पर लिखा है कि नवीन आगरा, तो ये नवीन जी की जिम्मेदारी है। नवीन जी यहाँ के मेयर है, बहुत सारी व्यवस्थाओं में आगरा को खूबसूरत बनाने में उनका योगदान होना चाहिए ना कि अपने नाम का प्रचार प्रसार। तो हमें लगता है कि अभी आगरा में बहुत जरूरत है आगरा पर ध्यान देने की, हर फील्ड में हर तरफ आपको क्योंकि देश विदेश से लोग आते हैं और एक अच्छी पॉजिटिव सोच लेकर आते हैं कि कुछ अच्छा मिलेगा आगरा में, बट यहाँ बदहाली की आंसू रो रहा है आगरा, गंदगी के ढेर है, पार्कों की क्या हर जगह की स्थिति खराब है, नाले भर के बह रहे हैं, तो स्थितियां बद से बदतर हैं। सिर्फ जगह जगह नवीन आगरा लिखवाने से आगरा का नवीनकरण नहीं होगा, आगरा को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। इस पार्क में लाखों की तादाद में लोग आते हैं, सुबह सुबह मैंने भी नजारे वहां पर देखे कि लोग पार्क में जाते हैं, घूमते हैं, सैर करते हैं, अपनी सेहत बनाते हैं और कोरोना काल के बाद तो इन चीजों पर और ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, साफ सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है, स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू हो चुका है, स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया है लेकिन आगरा में ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। शबाना जी स्वच्छ भारत अभियान की बात करें तो सुलभ शौचालयों की भी बात कर लीजिए, हजारों लाखों की तादाद में बनवाए गए कागजों में भी और वैसे भी, मगर आज उनकी स्थिति देखिए कि वो सुलभ शौचालय तो हैं क्या वो स्वच्छ हैं, पार्क तो हैं क्या वो साफ सुथरे हैं, नाले तो बने हुए हैं क्या उनकी सफाइयाँ प्रॉपर हो रही हैं, कूड़ों के जहाँ आपने बॉक्सेस लगाए हैं
वहाँ पर कूड़े डल रहे हैं, मगर क्या ये ध्यान दिया गया कि उन्हें उठवाना भी जिम्मेदारी है नगर निगम की। तो इस तरह से हम किसी एक चीज की बात नहीं कर सकते, हर जगह की अगर हम बात करें, इंक्रोचमेंट की बात करें, हर जगह आगरा की स्थिति बहुत खराब है। शबाना जी, सबसे बड़ा सवाल ये है यहाँ पर, उसका नाम लेना ही बेकार है, वो कहीं उस श्रेणी में नहीं आता। शबाना जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद, जब लॉकडाउन को पूरा अनलॉक किया गया है, उसके बाद 50 से 60 लाख रुपए इस पार्क के जीर्णोद्धार के लिए गए थे। क्षेत्र का एकमात्र पार्क है जहां पर लोग आते हैं, यहां के रहवासी भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, लेकिन जीर्णोद्धार के नाम पे पैसा तो आवंटित हुआ है, लेकिन रख रखाव के नाम पर शून्य नजर आ रहा है। ये किस तरह का रख रखाव है यहाँ? पैसा आवंटित हुआ, कहाँ रखा गया, किसके पास रखा गया? यहाँ तो बड़े बड़े घोटाले हैं, बड़े बड़ा गोलमाल है ना। सवाल तो ये है ना, आपने पैसा सैंक्शन कराया पर लगाया क्यों नहीं? ये जनता का सवाल भी है। जनता जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, हमारे यहाँ के 9 विधायक हैं, 3 सांसद हैं, उन सभी से, मेयर हैं, उन सभी से हम सवाल करना चाहते हैं कि सिर्फ आप लोगों को मार दे सकते हैं, पेट्रोल डीजल की मार, महंगाई की मार, सब्जियों पर या हर चीज की, या सिलेंडर की, आप कुछ बेहतर कब करके दिखाएंगे? आगरा उनकी तरफ देख रहा है उम्मीद से, और अगर वो जिम्मेदारियां नहीं निभाने में सक्षम है तो हमें लगता है कि उस पद पर रहने का उसको कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शबाना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फरहान, कहने के लिए बहुत कुछ होता है, वादे होते हैं, दावे होते हैं, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो वाकई में जनता को भी एक बार लगता है कि अगर इसी तरह से हमसे वादे किए जाएंगे और उन वादों को पूरा नहीं किया जाएगा तो जनता अपने आप को ठगा महसूस जरूर करेगी। जी जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से सवाना जी ने अभी कहा था स्लोगन ग्रीन आगरा, ग्रीन आगरा और नवीन आगरा, ये बात हकीकत है कि आगरा के शहर से लेकर देहात तक, जहाँ आगरा के शहर में पूरे करीब 100 वार्ड आते हैं, उन 100 वार्ड के अंदर जो है सभी जगह इस स्लोगन को लिखा गया है, उसी वार्ड के अंदर ये छावनी बोर्ड का भी वार्ड आता है, लेकिन विवाद की जाए इसके जीर्णोद्धार की तो वो एक कंटेनमेंट बोर्ड के अंदर आता है, छावनी परिषद का बोर्ड है, छावनी परिषद का नाम लेकर टालम की बोर्ड की जाती है। लेकिन आगरा शहर के जो विधायक हैं, आगरा में 9 विधायक हैं, 9 के 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, 2 सांसद हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के, महापौर भी भारतीय जनता पार्टी के, 2 मंत्री हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के, उसके बावजूद भी आगरा की विकास की अगर बात की जाए तो विकास जो है वो चरम सीमा पर देखने को मिलता है। ये बात हकीकत है, लगातार आगरा की जनता इस विकास को लेकर लगातार हल्ला बोल कर चुकी है, सड़कों में भी उतर चुकी है, लेकिन विकास देखने को नहीं मिलता है। यही जीता जाता उदाहरण आपके सामने, एक नाम मात्र पार्क को लेकर आज उजागर किया गया है, ने इस खबर को प्रमुखता से भी दिखाया है कि लोग बाग यहाँ आते हैं पार्क के अंदर घूमने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आने के लिए उनको सुविधा शुल्क भी देना पड़ता है, लेकिन सुविधा की अगर बात की जाए तो पार्क के अंदर इस तरह की कोई सुविधा देखने को नहीं मिलती है। पानी की बात की जाए, गर्मी का माहौल आ चुका है, तेज धूप है और आरओ प्लांट वहाँ लगा हुआ है लेकिन वो साफ पड़ा हुआ है। लोग अगर आता है अपने बच्चों को पानी की प्यास लगी तो पानी उसको कौन देगा, क्योंकि पार्क के अंदर जो पानी का प्लांट लगा है वो खराब है। अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो 3 शेड में बैठने के लिए, उसके लिए 3 शेड का इंतजाम नहीं है, बैठने के लिए कुर्सियां नहीं है, कुर्सियां भी टूटी फूटी पड़ी हुई है, पानी का जो फुहारा लगा हुआ है वो भी खराब पड़ा हुआ है, चलने के लिए सीट भी बनी हुई है वह भी टूट फूट की है, खुर्द बुर्द बनी हुई है। पूरा ही पूरा पार्क की अगर बात की जाए तो कहीं भी कोई चीज ऐसी नहीं है जिसकी तारीफ की जा सके। लगातार कंटेनमेंट बोर्ड की छावनी परिषद की जो बैठक की जाती है, बैठक में लगातार वादे किए जाते हैं और सुधार की बात की जाती है, लेकिन सुधार की बात देखने को नहीं मिलती है। जिसमें जिम्मेदार अधिकारी जो है तो बात करते हैं कि हर अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम कर रहे हैं, पार्क को और भी क्षेत्र की जो समस्याएं उनको ठीक करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं, प्रयास अगर कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं, प्रयास दिखना भी चाहिए, प्रयास दिखने की कोई बात सामने नजर नहीं आती है। इसी तरह योगी सरकार को देखना चाहिए कि आगरा शहर को जीर्णोद्धार की जो बात की जा रही है, जीर्णोद्धार अगर हो रहा है तो वो कहाँ हो रहा है, धरातल पर जीर्णोद्धार देखने को क्यों नहीं मिल रहा है, ये एक जांच का विषय है कि प्रदेश की योगी सरकार और आगरा में जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं, उनके मनोनीत सांसद व विधायक
जो उनके जनप्रतिनिधि है उनका इस ओर क्यों ध्यान नहीं है? वो भी इस ओर ध्यान दें, अगर ध्यान देंगे तो आगरे का विकास भी होगा और क्षेत्रीय जनता जो अपनी परेशानी से जूझ रही है उसको उस परेशानी की निजात भी मिलेगी। चलिए फरहान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम खबर को दिखाने के लिए। हालांकि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस विषय पर बोलने के लिए सामने नहीं आ रहा है, लगातार उनसे हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस विषय पर बोलने के लिए नहीं आया। जी हाँ, आगरा के छावनी परिषद सरदार पटेल पार्क की ये हालत आज हम आपको दिखा रहे थे, जहाँ पर लोगों से पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली भी की जाती है, बैठने के लिए बेंचों की व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर आपको बता दें हजारों की तादाद में हर दिन लोग आते हैं, सैलानी आते हैं, पर्यटन स्थल के रूप में भी आगरा को जाना जाता है। जीर्णोद्धार के नाम पर बजट जरूर संचन किया गया लेकिन आखिर वो पैसा कहाँ गया, ये एक बड़ा सवाल है। हला बोल मैच के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ।